Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर Redmi Note 6 Pro के और भी ज्यादा लीक्स बाहर आ गए हैं दोस्तों। ये होने वाला है दो वेरिएंट्स में, 3GB RAM, 32GB स्टोरेज और 4GB RAM, 64GB स्टोरेज। ऐसे कहा जा रहा है कि ये इसका जो प्रोसेसर होगा वो या तो 660 पे आएगा या तो 670 पे आएगा, कोई कोई कह रहा है 710 पे भी आ सकता है। बेसिकली Redmi Note 5 Pro का अच्छा खासा अपग्रेड होने वाला है और ये आने वाला है तीन अलग अलग कलर वेरिएंट्स में, गोल्ड, ब्लू एंड ब्लैक। इंडिया में जब आएगा उस और भी ज्यादा कलर वेरिएंट्स आ सकते हैं, ऐसे कहा जा रहा है, पता नहीं है, रूमर्स है अभी तक। और दोस्तों ये जो फोन है ये लॉन्च होने वाला है अक्टूबर में, इसका मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर, एक डेढ़ महीने में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या Redmi Note 6 Pro उतनी ही हवा कर सकता है जितनी Redmi Note 5 ने की थी। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइएगा कि भाई आपको कौन सा प्रोसेसर Redmi Note 6 Pro पे देखना है, जरूर बताइएगा। दोस्तों जो नए लोग हमें ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हैं ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 194। जी हाँ, ऐसे ही रोज हम न्यूज देते हैं, आप तक लाते हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं हम, लाइक, दैट्स इट, भूलिएगा नहीं। Honor 8X और Honor 8X Max, जी हाँ, ये सितंबर 5 को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और ये फेमसली, आपको पहले ही बताया मैंने, 7.12 इंच स्क्रीन पे आने वाले हैं, मतलब बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा होने वाला है, मैक्स स्क्रीन के साथ आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग और एक खबर बाहर आई है, ये Honor जो है Huawei का सब ब्रांड है, हमेशा किरिन प्रोसेसर पे आता है, इस बार ये आएगा Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर पे। पता नहीं क्यों किरिन के प्रोसेसर छोड़ के Snapdragon के प्रोसेसर पे आ गए, जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा होने वाला है। वाटर ड्रॉप डिस्प्ले होने वाला है, डुअल कैमरास होने वाले हैं, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज होने वाला है। ओवरऑल एक अच्छा बड़े साइज का, अगर आपको बड़ी स्क्रीन अच्छी लगती है तो जरूर आप इसके पास देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, टेक न्यूज के साथ हम ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट भी होता है, आप ये टेक न्यूज ध्यान से देखिए और फाइंड आउट कीजिए वो एक चीज, क्योंकि आप जीत सकते हो अमेजोन का गिफ्ट वाउचर। दोस्तों Realme 2 ने सबको डिसअपॉइंट कर दिया, सवाल ही नहीं आता है। आपने अभी तक हमारा रिव्यू नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हैं, लेकिन अब Realme 2 Pro, जो एक्चुअली Realme 2 होना चाहिए था, उसकी जो लॉन्च डेट है वो बाहर आ गई है। एग्जैक्टली जिस दिन Realme 2 लॉन्च हुआ था उसके एक महीने के बाद, यानी सितंबर 28 को कहा जा रहा है कि Realme 2 Pro लॉन्च होने वाला है। Realme 2 के इवेंट में मैंने Realme के लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि आप सरप्राइज हो जाओगे जब आप Realme 2 Pro देखोगे, उसका प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे Realme 2 के बारे में, 660, Qualcomm Snapdragon 660, 670 या 710, वैसा ही कुछ प्रोसेसर होगा, अच्छी रैम वगैरह होगी और 20,000 के नीचे होने वाला है। चलिए देखते हैं, जब आएगा तब जरूर देखेंगे, लेकिन Realme 2 ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया है, Realme 2 Pro जो है उसने नहीं करना चाहिए। दोस्तों वैसे आप भी अगर Realme 2 से डिसअपॉइंटेड हो तो एक लाइक ठोक दीजिए ताकि हमें भी पता चले आप भी कितने डिसअपॉइंटेड हो उससे। दोस्तों Vivo V11 Pro ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में सितंबर 6 को, मतलब 7 दिनों में, अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है, और उसी दिन चाइना में Vivo X23 लॉन्च होने वाला है। दोनों दिखने को इतने सिमिलर है क्योंकि आज Vivo ने उनके ट्विटर हैंडल पे टीजर डाला हुआ है, क्लियरली दिख रहा है ये फोन, इसमें वाटर ड्रॉप डिस्प्ले होने वाला है। अब तो फैशन हो गई है, सभी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसकी स्क्रीन होगी 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 660 का प्रोसेसर, डुअल कैमरास 12MP प्लस 5MP, और आगे का जो होगा सेल्फी AI कैमरा होगा वो 25MP का होने वाला है। और हाँ दोस्तों, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है। अब सिर्फ इतना ही मालूम करना बाकी है कि भाई क्या प्राइस होगी इसकी, आपको अगर मालूम है कमेंट्स में जरूर बताएगा, लेकिन हमें लगता है कुछ 20-22 हजार तक अगर होगी तो Vivo V11 Pro बहुत अच्छा फोन होगा। दोस्तों दुनिया का सबसे हल्का नोटबुक जो 15.6 इंच की स्क्रीन है वो लॉन्च हो गया है। Acer ने अनाउंस कर दिया है उनका Swift 5 जो आता है 8th जनरेशन i7 प्रोसेसर पे, अच्छे स्पेसिफिकेशन है और इसका जो वजन है दोस्तों वो सबसे कम है, 990 ग्राम्स ओनली। सोचिए 1 किलो से भी कम वाला ये लैपटॉप है एंड फुल फ्लेज लैपटॉप है, सभी अच्छे स्पेसिफिकेशन है। इसकी जो प्राइस चालू होगी दोस्तों वो होगी कुछ 70-80 हजार से, और ये अनाउंस हो गया है इंडिया में एक महीने के बाद, या एक डेढ़ महीने के बाद लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ हल्का ही नहीं, इसके जो बेजल्स होने वाले हैं वो भी बहुत ही पतले। इनफैक्ट Acer ने कहा है कि इसकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है कुछ 88% के करीब,
तो बहुत ही पतले बेजल्स, बहुत ही हल्का। अगर आपको खरीदना है तो जरूर रुक जाइएगा, एक डेढ़ महीने तक आ जाएगा इंडियन मार्केट में। जाते जाते दो रिमाइंडर्स दे दूं, एक तो हमने जियो फोन 2 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया हुआ है, ठीक ठाक फोन है, लेकिन आपको देखना है तो आप कार्ड सेक्शन में देख सकते हैं। देखिए खरीदना है क्वालिटी फोन, फीचर फोन, तो जरूर उसके पास देख सकते हैं। और दूसरा रिमाइंडर दोस्तों, नोकिया 6.1 प्लस कल सेल पे जा रहा है 12 बजे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों 16,000 रुपए है, और नोकिया का एक फोन जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, दिखने को अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्पेसिफिकेशन अच्छे है, कैमरा अच्छा है, ओवरऑल अ ग्रेट फोन। अगर आपको खरीदना है तो जरूर देखिए उसके पास। और दोस्तों हमारा ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट मुश्किल होते जा रहा है, कितने लोगों को आज आया, क्या देखा आपने, जरूर कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे पिछले 2 एपिसोड के विनर्स ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट के सुजीत कुमार सिंह, जो 192 एपिसोड के हैं विनर, और 193 एपिसोड के विनर्स हैं सुमित भदूरिया जी। हाँ, आई होप मैंने बराबर से नाम लिया। तो सुजीत कुमार सिंह और सुमित भदूरिया जी, आप हमें पिंड कमेंट में रिप्लाई कीजिए, वी विल गेट इन टच विथ यू विथ योर अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। और दोस्तों आज का सवाल मैंने पहले न्यूज में ही पूछ लिया आपको, रेडमी नोट 6 प्रो का प्रोसेसर कौन सा होने वाला है, चलिए प्राइस भी बता दीजिए आपको क्या लगता है। चलिए दोस्तों आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 194 इधर ही समाप्त होता है। जैसे हमेशा कहता हूं, लाइक करना मत भूलिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके बढ़ते हुए लाइक्स देख के। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।